बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इतने दिनों से मेरा व्लॉग नहीं था आ रहा, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब हमारे में वीट कंपेन चल रही है एग्रीकल्चर की तरफ से, और आज फार्मर डे है और इधर फार्मर डे भी मनाया जाएगा और वीट कंपेन भी चल रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं इधर ही आता रहा हूँ, इसलिए इतने दिनों से मेरा व्लॉग नहीं बन सका। ये हमारे गाँव का ही है दोस्त मेरा, इधर हमें मिले हैं, तो आपको चलते हैं अंदर दिखाते हैं। आज इधर फार्मर डे मनाया जाएगा और हफ्ता तकरीबन दो दिन और रह गए हैं वीट कंपेन के। हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को बताया जा रहा है कि अपनी वीट की फसल को ज़्यादा पैदावार लेने के लिए और अच्छी काश के लिए क्या हदायत दी जाएंगी, उन्हें सब ये बताया जाता है। चलें फिर अंदर चलते हैं। इधर हाल ताजमहल हाल है, इसे बुक करवाया गया। मेरा घर किसका ने कुछ और कराना है। मलक सफदर साहब, चेयरमैन मार्केट कमेटी चक जुमरा, डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और दीगर जमींदारान व काश्तकारान तहसील चक जुमरा को इस प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूँ, और उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर इसको इसकी रौनक बढ़ाई। और उसके बाद जो हमारा जो प्रोग्राम है, इसका इसके मकासद क्या है, ये एक गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव दिया है कि और दोनों मिलकर वीट कंपेन चलाएं, और उसके लिए जरी यूनिवर्सिटी ने 10 दिन के लिए अपने स्टूडेंट जो हैं उनको फील्ड पर भेजा कि वो जरी यूनिवर्सिटी में जो नया काम हो रहा है, जो नई रिसर्च है, और जो नई इनके जो है बताए जो है रिसर्च के लिए जमींदारों तक पहुँचाए जाए, ताकि ज़मींदार जो है उसको फॉलो करके और अपने गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाए, और जो है ज़रात की गंदम की जो है कमी पेशी है उसको पूरा कर सके। पैदावार लेना है, दाने लेना है, इसलिए इसका कंपैरिजन है कि किस तरह पहले बड़े साइज की गंदम के पौधे हुआ करते थे, और अब ये ज़रई साइंसदानों की जो मेहनत है कि अब वैरायटियां भी छोटी हो गई हैं लेकिन उनकी पैदावार ज़्यादा है। ये एक सीड सिस्टम है बच्चों के समझ ले के लिए और फार्मर्स के लिए कि किस तरह से गंदम का भी या कोई भी सीड जो है वो फार्मर तक पहुँचता है, उसमें मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज हैं। पहले ये जमीन की तैयारी दोबारा से कराने की जरूरत है, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं।
जिसकी वजह से वो अगले साल अपनी गन्ने की फसल को बेहतर तरीके से उस रकबे में काश कर सकता है। महंगे हो। तीसरा जो गैर कीमती तरीका है नंबरों में नहीं बल्कि पहले नंबर पे हो। आप आए तो सही मेरे साथ चले, अभी कितनी खाद चाहिए लेने, कहाँ से मिलती है चले, आप अगर आपने किधर से ली है, आप नहीं मिली ये बता दें। यूरिया कीमत क्या है? यूरिया की, यूरिया की कीमत जो है वो तकरीबन 1800 रुपए है। 2500 में मिलती है इधर फ्रिजी मुनाफे। तो आप जो 2200 दे रहे हैं उनके खिलाफ आप रिसेंटली देखे हैं FIR भी हुई है। आप कुछ नहीं कर रहे, महकमा कुछ नहीं कर रहा। महकमा क्या घरों में बोरियां दे दें खाद की भर के। डिपार्टमेंट ने आप शायद खबरें नहीं पढ़ते, एसी साहब के साथ मिलके जो गोदामों में खाने थे वो बाय में करवाई है। दूसरा इसे कंट्रोल रेट पे सेल कर रहे हैं। शॉर्टेज का इशू है लेकिन इंशाल्लाह जल्द ये हल हो जाएगा। लंच साफ तो कर लें।